उगी होवा जग पवा घर घर भीख्या लियो दरगह लेखा मंगिया किस किस उत्तर दियो इहदे नालों ते अपने घर ही टिके रहना चंगा तृष्णा राच ना पर घर जावा मैं तृष्णा विच जुड़ के पराए घर विच नहीं जावांगा क्योंकि तृष्णा नाम बुझाई मेरी तृष्णा घर विच बैठ के किरत करदिआं प्रभु ने अपने नाम विच जोड़ के वह बुझा दिती है खत्म कर दिती है क्योंकि तृष्णा बूझै हर कै नाम महासंतोख होवै गुर बचनी प्रभ स्यों लागै पूरन ध्यान तृष्णा बिरले ही की बुझी है कोट जोरे लाख करोरे मन नहीं हो रे परै परै को लुझी है वड्डे वड्डे राजन अर भूमन तांकी तृष्ण न बुझै लपट रहे माया रंग माते लोचन कसू न सूझै बिख्या मैं किन ही त्रिपत न पाई ज्यो पावक इंदर नहीं त्रापै बिन हर कहां अगाई जिवें बल दी अग ते जिन्ना मर्जी बालन सुटी चलो ओ कदे रजदी है अग तां पाणी नाल बुझणी है इसे तरह साहब कहिंदे पदार्थां दे अधीन रह के कदे किसे दी तृष्णा बुझदी नहीं तृष्णा ते नाम रूपी जल दा तौंका दियोगे फिर बुझणी है फिर बल तो जल तो तौंकिया गुर चंदन सीत लायो जदों गुरु ने चंदन रूपी नाम जल दा छिट्टा दे दिता ते अंदरों तृष्णा बुझ गई घर भीतर गुरु दिखाया सहर रते मन पाए कहिंदे मैनू मेरे घर विच ही हिरदे घर विच ही परमात्मा दा घर रूपी टिकाणा मेरे गुरु ने दिखा दिता ते जदों मैं सब कुछ घर विचों ही प्राप्त कर लिया ऊहां तौ जाई है जो इहां ना होए बाहर ढूंढन ते छूट परे गुर घर ही माहे दिखाया था साहब जी दे बचन ने कि जदों सब कुछ घर विचों प्राप्त कर लिया सहज रते मन भाई जदों अडोलता विच टिक गए ते इह गल मन नूं चंगी लगी कि हुण घर विच ही टिक के प्रभु दी आराधना करनी है बाहर नहीं जाना जिवें भगत रामानंद जी वह वैरागी सन ते उन्हां दा इक्को शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच है जिहदे विच उन्हां ने यह सिख्या दित्ती है कत जाइए रे घर लागो रंग मेरा चेतना चलै मन भयो पंग एक दिवस मन भई उमंग कस चोआ चंदन बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे कहन लगे जै जाइए जल पखान तू पूर रहो है सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहां तौ जाइए जो ईहां ना होए कहिंदे हुण काहदे लई बाहर जाइए हुण ते हिरदे घर विच ही रंग लग गया आ जे गुरमन दे बैरागी कत जाइए रे घर लागो रंग कहन लगे हुण ते गुरु ने घर विच ही परमात्मा दा टिकाणा दिखा दिता तू आपे दाना आपे बिना तू देव है मत साए दो शब्द ने दाना ते बीना दाना दा अर्थ है जानन वाला ते बीना दा अर्थ है पछानन वाला अरबी दे शब्द ने हे प्रभु तू आप ही सारा कुछ जानन वाला है आप ही पछानन वाला है तू देवै जेड़ी मत तू दिना है ना वह मत चंगी है क्योंकि वह मत दुबदा वाली नहीं वह मत टिका वाली है वख वख टीकाकारा ने इत्थे कईयां ने साई दे अर्थ वह किते ने ते कईयां ने साई दे अर्थ साई परमात्मा भी किते ने कि जेड़ा प्रभु मत देवे भाव वह मत चंगी है जेड़ी आपां अरदास करदे आं सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुमै अराधा हे प्रभु वह मत दे जिहदे नाल असीं तुहाडी आराधना कर सकीए इंज कहीए भी रोज अरदास करिया करो वह मत देवो जिस मत दे नाल हे प्रभु असी ताडे नाल जुड़े रहिए सतगुरु जी ताडी सिख्या नू हिरदे विच अपनाई रखिए मन बैराग रतो बैरागी सबद मन बेदया मेरे माए हे मेरी मां पाव हे जिग्यासु हुण ते शब्द विच मेरा मन विज गया परोता गया ते हुण मेरे मन विच जेड़ा बैराग है ना इहदे द्वारा मैं सचमुच सच्चा बैरागी बन गया मैनू इस बैराग की खातर घर तो बहर जाने की लोड़ नहीं
घर परिवार विच किरत करदिया कार विहार करदिया जदों मेरा मन रंगिया गया ते असल विच मैं उदों बैरागी बनिया भाव जग्यासू नूं सिख्या दित्ती कि शब्द नाल जुड़ इवें तू सच्चा बैरागी बन सकेगा। अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यो लिव लाई। जदों सच्चे साहेब नाल लिव जुड़ गई जदों प्रभु दे संपर्क विच आ गए ते फिर अंदर प्रभु दी जोत प्रगट हो गई। निरंतर बाणी लगातार एक रस प्रभु दी सिफत सलाह दे विच जग्यासू जुड़ जांदा है। गल तां प्रभु नाल जुड़न दी है उह भावें घर होवे ते बाहर होवे। जे घर विच रह के मनुख प्रभु नाल जुड़ गया ते इह घर विच रह के ही उदासी है ते जे उदासी बन के भी नहीं जुड़िया ते फिर भी इह बंधना विच है। इस करके साहब ने कहा घर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संघ। गल प्रभु नाल जुड़न दी है। जदों प्रभु नाल लिव जुड़ गई ते साहब कहिंदे फिर असल विच मनुख वैरागी बन जांदा रहाओ। ये पावन गुर पंक्तियां सतगुरां ने रहाओ ते केंद्रित कीतियां हन। असंख बैरागी कहै बैराग सो बैरागी जे खसमा पावा। अनेकां वैरागी लोक वैराग दियां गल्लां करदे ने पर असल विच वैरागी वह है जेड़ा प्रभु नूं भा जांदा जेड़ा प्रभु दे प्रेम विच जुड़ जांदा है। हिरदा शब्द सदा भै रचिया गुर की कार कमावा। इहदे हिरदे विच गुरु दा शब्द है जो प्रभु दे भै विच सदा जुड़िया होया ते गुरु दी हुक्म रूपी कार करदा है वह अपने घर परिवार विच रहिंदिया ही बैरागी बन जांदा है। एको चेता मनुआ ना डोला तावत वरज रहावा। जिहड़ा जग्यासू एक नूं सिमरदा है अते अपने मन नूं डोलन नहीं दिंदा भटकन नहीं दिंदा दौड़दे हुए मन नूं रोकी रखदा मन नूं कहिंदा हिचै तां प्रेम के चाबक मारो। भाव अपने मन नूं रोकी रखदा है। रोकदा किवें है गुरु दे शब्द दी ओट नाल मन नूं भटकण नहीं दिंदा क्योंकि मन दी इह हालत है। कबीर मन पंखी भयो उड उड दै दिस जाए जो जैसी संगत मिलै सो तै सो फल काहे। कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए प्यालै लोभी जीड़ा थिर ना रहत है चारे कुंटा पालै। एक कवि दे बोल ने भी मैं जानियो मन मर गयो अजो सो मरियो नाहे। कहिंदे मैं सोचिया भी मन मर गया पर कहिंदे नहीं मन दी हालत तां डड्डू दी तरह सी जिवें वर्खा ना होवे पानी तलाबां विचों सुक जावे ते इंज लगदा भी डड्डू मर गए ने पर थोड़ी जी वर्खा पवे किसे टोबे विच पानी इकट्ठा होवे ते डड्डू गणै गणै कर लै पैंदे ने। कहिंदे इस मन दी हालत है कि मन असी समझिया भी मर गया पर जदों कुसंगत दी वकारां दी वर्खा होई इह डड्डू वांग गड़ै गड़ै करके मनो छाला मारन लग पिया। मैं जानियो मन मर गयो अजो सो मरियो नाहे वर्खा परी कुसंग की दादर ज्यों गरुड़ाए। दादर कहिंदे ने डड्डू नूं ते गरुड़ाए दा अर्थ है गड़ै गड़ै करदे। इह बोली है ना जिवें असीं कहिंदे शेर दहाड़दा है असीं कहिंदे हाथी चंगाड़ियां मारदा आपां कहिंदे गिद्दड़ हवांकदा है ते डड्डू दी बोली है कि वह गड़ै गड़ै करदा दादर ज्यों गरुड़ाए। कहिंदे डड्डू वांग इन्हें फिर छालां मारनियां शुरू कर दित्तियां बोलना शुरू कर दिता। मन बड़ा औखा है पर जदों इहनूं वस विच कर लिया इहनूं भज्जे जांदे नूं रोक लिया धावत जांदा वरज रहाया गुरु ने रोक दिता इस मन नूं। सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावा। जिहदा मन रुक गया एक जगह टिक गया वह सहज अडोलता दे विच मस्त रहिंदा। दो शब्द एक माता जिथे माता पिता वास्ते शब्द आउंदा तू मेरा पिता तू है मेरा माता। एक शब्द है माता मस्त होया भाव सहजे माता वह फिर अडोलता दे विच मस्त होया सदा प्रभु दे रंग विच रंगिया रहिंदा
ते सच्चे वाहिगुरु दे गुण गाउंदा है। मनुआ पौन बिंद सुख वासी नाम वसै सुख पाई। इस मन दी हालत पवन वर्गी है, चंचलता वाई वर्गी है, भाव यह मन चंचल है, पर जदों इनू बिंदक थोड़ा जिहा समा भी रोकिया जावे नाम दे विच ते सचमुच यह सुखदाई अवस्था वे जदों टिकदा है ना ते यह फिर असल बैराग दा रूप धारण कर लैंदा। जेहबा नेतर सोतर सच राते जल बूझी तुझ है बुझाई। जेड़ा जीव इस तरह दा वैरागी बन गया ना ओदी जेबा कहिए जुबान रसना, नेत्र कहिए अखां, ते सोतर दा अर्थ हुंदा है ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे। उस प्रभु नाल जुड़ के इहदा सारा परिवार इह जिहड़ा इह सफला हो जांदा है, भाव अखां कन्न और जिन्ने ज्ञान इंद्रे टोटल आपां कर्म इंद्रे भी कह लईए ओह जदों सच नाल जुड़ जांदे ने प्रभु नाल जुड़ जांदे ने ते जल बूझी इहदे अंदर जिहड़ी तृष्णा दी अग सी ओह बुझ गई ते बुझाई किन्ने तुझे बुझाई हे प्रभु तुसी कृपा करके इस जीव जग्यासु दे अंदरों तृष्णा दी अग जिहड़ी है ओह बुझा दित्ती है। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। उवें कोई मनुख अपने मुख तो शांति शांति करी चले पर जदों तक अंदर शांति नहीं है ना, जिवें सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने भाई मरदाना जी नूं भेजिया सी कि उह सामने एक बैरागी साधु चौंके उपर पोचा दे के कारां कढ के मूँह तो शांति दियां गल्लां कर रहा ते उत्थों तू बलदी होई अग थोड़ी जी लै के आ तां कि असी भी अपना कार्ज सिद्ध कर सकीए। जदों उस बैरागी ने देखिया भाई मरदाना जी नूं ते अंदर सड़ बल के कोले हो गया। भाई मरदाना जी दे मगर बलदी होई अग दा चोह पकड़ के भज्या। गुरु नानक साहब कहण लगे बड़े परोपकारी हो, असी ते अपने सिख नूं भेजिया सी ते तुसी आप ही खुद अग लै के आ गए हो, ये होर भी सड़ बल गया। कहण लगा भी जिदा का सिख उदा का ही गुरु, मैं अग देण थोड़ा आया, मैं तो ये मगर भज्या भी ये एक गरीब है शूदर है तो इन्हें मेरा चौंका भ्रिष्ट कर दिता, मैं तो कारां कढ़ियां। उदों मेरे साहब ने कहा जिहड़ी तेरे अंदर अग बल रही है ना, जिहड़ी तेरे अंदर भैड़ी बिरती है, यही तो तेरे अंदर शूदर बिरतियां का काम कर रही है, तो तू कारां कढ़ के की सवारेगा। उत्थे मेरे सतगुरां कहा सी कबुद्ध डूमणी कुदिया कसैन पर निंदा कट चूड़ी, मुठी क्रोध चंडाल कारी कड़ी क्या थी है, जा चारे बैठियां नाल। साहब ने उदे अंदर बलदी हुई अग वेखी। इसे तरह साहब कह रहे ने जल बूझी जिहड़ी अंदर तृष्णा दी अग बलदी है ना, तुझे बुझाई प्रभु तेरी कृपा होवे ते फिर अंदरों वो बुझ सकती है। आस निरास रह बारागी निज घर ताली लाई। आसा विच रहिंदा ही जदों मनुख निरास हो जावे अपने निज घर विच रह के प्रभु नाल ध्यान जोड़ लैंदा। भिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पे आई। फिर वो प्रभु तो मिलन वाली नाम रूपी भिखिया नाल रजे रहिंदे ने, संतोखी रहिंदे ने, क्योंकि प्रभु नाम रूपी अमृत उन्हां नूं अडोलता विच टेके पियांदे हन। दुबदा विच बैराग न होवे जब लग दूजी राई। जदों तक थोड़ा जिहा भी दूजी पूजा दा ख्याल है असी दुबदा दे विच बैराग नहीं कर सकदे। एक पासे लगना बड़ा जरूरी है, वेखो बीज दो फाड़ हो जावे ते उगदा नहीं, जे एक होए तां उगवै रुत्ती हूं रुत होए। बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। बीज नूं भी उगण वास्ते साबत रहना पैंदा है, उहनूं जे आपां दाल बना दईए दो हिस्सियां विच वंड दईए ते उह उगदा नहीं। जे साडे मन विच गुरु दी भी मर्यादा होवे ते थोड़ी जी मनमत भी आ जावे ते आपां बैरागी नहीं बन सकदे। इस करके साहब ने कहा कि दुबदा कन्फ्यूजन के एक पासे ना लगना, गुरु का भी आसरा लैना ते पखंड भी करी जाने, दुबदा इहनूं कहिंदे ने। जदों सतगुरां सूतक दी गल कीती कहण लगे पंडित जी जन्म मरण नाल सूतक पातक ना जोड़ो, असल विच सूतक यह है सबो सूतक भरम है दूजा लगै जाए।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੁਬਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤਕ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸੂਤਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਸਭੇ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਬ ਲੱਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ, ਜੇ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜੰਤ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮਨਾ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਮਹਾ ਪਰਮਾਰਥ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਤ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਤੀਨ ਭਵਨ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਤ ਨਾਮੰਗ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਜੀਆ ਜਗ ਜੋਨੀ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖ ਸੁਹਾਮੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਲ ਬਣ ਕੇ, ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਲਹਿ ਭੈ ਮਾਨੰ, ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਅਗਾਮੰ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨ ਮੁਖ। ਮਨ, ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਲਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੂਠ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਅਗਾਮੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਸਾਧੋ ਜਾਨਨ, ਜਿਉਂ ਗੁੰਗੇ ਮਿਠਿਆਈ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਉਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਕਥਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਥਿਆ ਆਈ, ਚੱਲ ਸਦਾ ਰਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਥ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਤ ਹੋਵਾ, ਗੁਰੇ ਮਤ ਨਾ ਕਾਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ
श्रेष्ठ मत है, गुरु तो बिना कादी मत है। जिवें कईआं नूं कहीए ना गुरु वाले बन जाओ, कहिंदे भी दिल साफ होना चाहिए। बंदा पुछे भी जे तेरा दिल साफ हुंदा ते तू गुरु वाला बनदा, पर तेरा दिल खोटा है, दिल ते साफ ही नहीं, दिल खोटा आकी फिरन बन भार उचायन छटी है। इस करके गुरु नाल जुड़ के ही दिल साफ है, गुरु नाल जुड़ के ही चंगी मत है। नगुरे जिहड़ा नगुरा मनुख है ना, मत ओदी कोई मत नहीं, कोई श्रेष्ठ आचार नहीं है। ज्यों चलाए त्यों चल है पाए, होर क्या को करे चतुराई। ए भाई कोई अपनी चतुराई नाल नहीं, जिवें मेरा प्रभु चलाउंदा है उवें चलीदा है। एक भरम भुलाए एक भगतेरा ते, तेरा खेल अपारा। एक भरम विच भुले ने एक भगती वे जुड़ गए ने, प्रभु ये तेरी खेड है। विरोधी टीमां ने भाव तू आप ही जगत सिंझ रूपी अखाड़ा पाया, ते वेखना चाहना कि इहदे विचों मोढे किहदे लगदे ने, ते जित कौन प्राप्त करदा। जित तुद लाए ते हा फल पाया, तू हुकम चलावन हारा। प्रभु जी तुसी हुकम दे मुताबक जीवां नू चला रहे हो, जिस पासे जीव लगे ने तुसी लाए हो, उसे मुताबक उन्हां नू दुख सुख दा चंगे माड़े कर्मां दा फल प्राप्त हो रहा। सेवा करे जे किश होवाय अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सेवा ते मैं तां करके दावा करां भी जे मेरा कुछ अपना होवे, ए पिंड शरीर जिंद सब कुछ ताड़ा है, ते ताड़ा दिता तानू मैं की अर्पण कर सकदा। जे अर्पण कीता भी है ते उत्थे मेरी कोई होंद नहीं कि भाई साहब जी अरदास विच मेरा जरूर नां लियो, भी 5,000 रुपया दिता है, आ पखा फलाने ने चढ़ाया, भी मेरा ते कुछ भी नहीं है, ते तेरा ही है, तेरा कीता तैनू अर्पण कर दिता है। सतगुर मिले आए कृपा कीने, अमृत नाम आधारा। जदों गुरु मिलिया ते फिर कृपा कर दिती प्रभु ने, मेरे जीवन दा आधार परमेश्वर दा नाम रूप अमृत बन गया। गगन अंतर वासिया गुण पर गासिया, गुण मह ज्ञान ध्यान। अखीरली अष्टपदी दे इस सतगुरु जी ने बंद विच स्पष्ट कीता कि जिस मनुख दे मनो गगन मंडल विच सुरत मंडल दे विच प्रभु जी का वासा हो जाता है, उहदे अंदर गुणा का चानन प्रकाश, ते मनुख फिर अपनी सुरत नूं उन्हां गुणां दे मुताबक प्रभु नाल जोड़ी रखदा। नाम मन भावा कहा कहावा, ततो तत वखानं। ऐसे मनुख दे मन विच नाम चंगा लगदा, वो आप भी उचारण करदा, दूजियां नूं भी जपाउंदा, ते जो तत प्रभु है उहदे नाम नूं जपदा, किसे होर नूं नहीं। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरान। हे भाई अपने गुर पीर दा जेड़ा शब्द है ना, उहदे नाल असीं गैर गंभीर बन सकदे हां। गुरु पीर दे शब्द तों बिना जगत कमला होया तुरिया फिरदा, ते साडा गुर पीर केड़ा है, जाहर पीर जगत गुर बाबा। पांच प्याले पांच पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, जिन्ना पीरां दे अगे दस्तगीर पीर वली कंधारी। इत्थे तक के साईं मियां मीर वर्गे पीर भी सिजदा करदे सन, ऐसे पीर ने 10 पातशाहियां जिन्हां नूं मीरी पीरी दे मालक, जिन्हां नूं बादशाह दरवेश कहिंदे आ। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी सचमुच पीर ते मीर ने। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरान। बिना शब्द तो जगत कमला है, क्योंकि बिन नाम है जग कमला फिरै। शब्द तो बिना असी बौरे हाँ, इस करके सतगुरु ने कृपा कीती कि गुरु का शब्द ही सानू गैर गंभीर डूंगे जिगरे वाला सियाणा बना सकदा। पूरा बैरागी सहज सुभागी, सच नानक मन मालं। जिहदा मन प्रभु दे नाल जुड़ गया है नानक, उहीओ पूरा बैरागी है, ते उही चंगे भागां वाला है। सतगुरु कृपा करन पावन पवित्र गुरु शब्द दी विचार करदियां होईयां बिंत प्रकार दियां भुल्लां तों खिमा कर देना सब दा धन्नवाद। कुटान कोट शुक्र धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा। आओ अखीरलियां पंक्तियां दा पाठ एक बार फिर सरवण करिए। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा,
बिन सबद जग बौरान। पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मानऊ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।